कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया है कि किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में खासकर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का जिक्र किया है। राहुल गांधी के इस पोस्ट में छिपे संदेश की कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी तारीफ की। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या कोई अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। सचिन पायलट ने राहुल गांधी की इस पोस्ट को रिट्वीट किया और बोले कि विनम्रता, सम्मान, सहानुभूति और गरिमा, ये वे मूल्य हैं जिन्हें हम बहुत संजोते हैं, काश और भी सीखने को मिलता। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील ऐसे वक्त में की है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अपना आधिकारिक आवास खाली किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी को अमेठी संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा। वो अमेठी सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार गई थी। उन्होंने 2019 के संसदीय चुनाव में इस सीट से जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था, तब उनकी काफी चर्चा हुई थी। स्मृति ईरानी केंद्र की पिछली सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।